वृक्षारोपण कार्यक्रम तो सच पूछिए तो सबको करना चाहिए। हर एक आदमी को अगर देखा जाए तो एक वृक्ष लगाना ही चाहिए, जहाँ तक हो सके अपने आजू बाजू में दूर जितना क्षेत्र में अगर वृक्षारोपण करें तो बहुत अच्छी बात है। जो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, ये जन्मदिन के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे कि हर जन्मदिन पे लोगों को अपने जन्मदिन कम से एक पेड़ लगाना जरूरी है? मैं जन विकास आवाज से ब्रह्मवासी विश्वकर्मा, दर्शकों आपको दिखाने जा रहे हैं पालघर, पालघर जिला तालुका वसई से नालसपाड़ा ईस्ट से जो कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे, पर करते हैं जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाए। तो यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सर अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम जसवंत ठाकुर है, मैं यहाँ का वार्ड उपाध्यक्ष के पोस्ट पे था। अभी हमारा जो नया गठन चल रहा है उसमें अभी तक कोई पोस्ट नहीं है। पार्टी की तरफ से पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे 17 तारीख को पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में महाराष्ट्र प्रदेश से और पूरे देश भर में एक साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस साप्ताहिक कार्यक्रम में हमें कोई भी 7 से 8 काम हमें करना है। पार्टी कार्यालय से जो आदेश आया है उसमें हमें अन्न वितरण, चश्मा वितरण, अन्य जो प्रोग्राम अभी किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है, वो किनके माध्यम से है अभी? ये हमारे वार्ड के जिला सदस्य कार्यकारिणी में विनीता बाबुलनाथ विश्वकर्मा मैडम है, उनके द्वारा आयोजन किया गया है कार्यक्रम को, और आज के दिन हम कम से कम 10 से 12 पेड़ लगाने का आयोजन किए हैं। ये 12 पेड़ आप मतलब एरिया में लगा रहे हैं? पूरे संतोष भवन में लगाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। चलते हैं बाबुलनाथ जी से भी बात करते हैं कि ये प्रोग्राम के विषय में आपको एक जागरूकता कैसे लगा कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए? वृक्षारोपण कार्यक्रम तो सच पूछिए तो सबको करना चाहिए। हर एक आदमी को अगर देखा जाए तो एक वृक्ष लगाना ही चाहिए। वृक्ष लगाने से देखिए हम बहुत सारी फायदाएं होती हैं, वातावरण दूषित न हो इसके लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वैसे भी ये कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के रूप में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 7 कार्यक्रम पेश किया गया है, जिसमें से हमने 4 कार्यक्रम कर चुके हैं। ये 4 कार्यक्रम में जैसे मैंने चश्मा वितरण का कार्यक्रम कर दिया है, आधार कार्ड का कार्यक्रम मैंने कर दिया है, मास्क वितरण का कार्यक्रम मैंने कर दिया है, और ये आज वृक्षारोपण का किया जा रहा है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, और शनिवार को हमारा सफाई अभियान का कार्यक्रम होगा। तो इस हिसाब से मेरा सेवा सप्ताह का जो कार्यक्रम होगा शनिवार को मेरा पूरा हो जाएगा, और उसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई देता हूँ उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे। और हमारी महिला टीम है, हमारे महिला कार्यकर्ता भी हैं, जरा उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से उन्होंने आयोजित किया और सफलपूर्वक उसको कर रहे हैं कार्य। तो आप अपना नाम बताएंगे। नमस्कार, मैं विनीता बाबुलनाथ विश्वकर्मा। आज हम लोग का यानी वृक्षारोपण का चल रहा है, तो हम लोग का ये साप्ताहिक कार्य है नरेंद्र जी साहेब भाई के जन्मदिन के अवसर पर उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, तो और उसके विषय में क्या कहेंगे, लोगों को क्या जानकारी देंगे? तो देखिए इससे क्या होता है, वृक्षारोपण करने से हर जगह से अच्छाई रहती है, अपना जो दूषित वातावरण होता है वो अपना अच्छा होता है। हर एक चीज़ के लिए जहाँ तक हो सके अपने आजू बाजू में दूर जितना क्षेत्र में अगर वृक्षारोपण करें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है उनके द्वारा वृक्षारोपण, जिससे आज अलग अलग बीमारियाँ जो आ रही हैं नई, कुछ तो हमारे पर्यावरण की देन है जिसको पर्यावरण दूषित होने के कारण हो रहा है। इसके साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आपको ये कार्यक्रम करने में कैसा लग रहा है। अपना नाम पहले बताएंगे दर्शकों को। नमस्कार सर जी, मेरा नाम है सुनीता संजय कुमार विश्वकर्मा, और हमारी ये सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के लिए हमको चुना गया, और हम अपने प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई हो ये शुभकामना करते हैं। और मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी कि वृक्षारोपण जो है वो हमारा पर्यावरण है, हमारे संस्कृति की एक पहचान है, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज के देश में देखिए अपना कोई भी पर्यावरण जो है वो दूषित होने के सिवाय सुरक्षित नहीं है। पेड़ पौधा लगाने के बजाय हम लोग उनको काट रहे हैं, इसीलिए हमारा जीवन पूरा खतरे में है। हम इतना तो नहीं जानते कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत, लेकिन इतना ज़रूर चाहेंगे और आपके न्यूज़ द्वारा हमें मैसेज देना चाहेंगे कि हमें अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक पर्यावरण अपने को सुरक्षित रखना है, और 2-4 वृक्षों का हमें उत्पादन करना है और उनका देखभाल करना है, और इनकी छत्र छाया में हमको रहना है, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसी के साथ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पूर्ण रूप से महिलाएं भी उसमें भाग ली हैं और कार्यक्रम को सफलपूर्वक बना रही हैं, तो आप अपना नाम बताएं मैडम। ममता विश्वकर्मा हमारा नाम है, और हम ये कहना चाहते हैं कि वृक्ष लगाना बहुत अच्छी बात है,
सबको एक एक वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष से अच्छी शुद्ध हवा हमें मिलती है। ये जो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, ये जन्मदिन के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे कि हर जन्मदिन पे लोगों को अपने जन्मदिन में कम से एक पेड़ लगाना जरूरी है? हाँ, ये हमारा मतलब यही संदेश है कि हर एक इंसान को एक पेड़ लगाना चाहिए, इससे हर एक को अच्छी मतलब सांस मतलब ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, बीमारियों से बचेंगे। इसी के साथ ये कार्यक्रम देखा जा रहा है कि लोग एकत्रित हुए हैं और कार्यक्रम को शांतिपूर्वक सफल बना रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन रमेश के साथ मैं बर्माशी विश्वकर्मा, धन्यवाद।